घेराव कांग्रेस नहीं, जनता आएगी, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और देश के संविधान का जो भी अपमान करेगा उससे लड़ना देश की जनता को आता है। लोकतंत्र में गुंडागिर्दी, तानाशाही, लाठी गोली के दम पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख है गवर्नर साहब, विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या किसके पास बहुमत? अगर नहीं बुलाते सब कुछ करेंगे, जनता ने मैंडेट दिया। अगर नहीं बुलाते सब कुछ करेंगे, जनता ने मैंडेट दिया गहलोत सरकार को, और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा भी नहीं बचा है कोर्टों में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा देश देख रहा था कोर्ट के फैसले को। न्याय चाहिए सबको, ऐसे चुनी हुई सरकारों को आप मनमानी करके गिराने लग गए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए, तो राजभवन यहाँ गवर्नर हाउस से विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं मिलती, मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे होता है कभी? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है, बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट, बीजेपी सब एक हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, अब क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? गाँव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी, राजस्थान की जनता ये तय कर ले। बीजेपी के लोग इस तरह से, बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीन कर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है, लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं घोटने।